ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स, दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं। ऑटोसोम जो है हमारे में 22 पेयर जो है मेल और फीमेल में बिल्कुल सेम होते हैं, और वन पेयर जो है हमारा दैट इज एक्स एक्स एंड वाई, उसको एलोसोम कहते हैं, वो डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम एक डिसऑर्डर देख लेते हैं ऑटोसोम का, मतलब क्या मीनिंग हुआ, जिसमें एक कोई ऑटोसोम जो है एक्स्ट्रा चला गया, एक ऑटोसोम जो है वो एक्स्ट्रा चला गया किसमें, गैमेट में। अच्छा, तो इसमें एक सबसे पहला हम देखते हैं जो है डाउन सिंड्रोम, एक डिसऑर्डर है दैट इज डाउन सिंड्रोम। ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि एनसीईआरटी में नहीं है, ट्वेल्थ की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। जो डाउन सिंड्रोम है इसको 21st ट्राइसोमी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें गैमीट में एक वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, कौन सा वाला, 21st क्रोमोसोम, वो एक गैमीट में एक्स्ट्रा चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ड्यू टू, अब इसके पीछे रीजन बताया जाता है, मैंने अभी आपको बता दिया, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शनिंग, नॉन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस जो है। तो डाउन सिंड्रोम जो है इसमें क्या होता है, उस पर्सन में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या सिम्टम अपियर होते हैं, इसका राउंड फेस होता है पर्सन का, ब्रॉड फोरहेड होता है, परमानेंटली ओपन माउथ, प्रोट्रूडिंग टंग बाहर की तरफ निकली हुई, प्रोट्रूडिंग टंग, ठीक है। इसके अलावा स्मॉल फिंगर्स, शॉर्ट नेक, ठीक है, इसके अलावा जो है फरोड टंग, ब्रॉड पाम विद पामर क्रीज, जो है पूरी की पूरी पामर क्रीज बोलते हैं इसको, मतलब पर्टिकुलर जो आपकी जो पाम में जो डेफिनेट लाइंस बनी होती हैं वहां पे एक स्पेशल लाइन होती है जिसको हम कहते हैं पामर क्रीज। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस लेवल होगा वो इसका बहुत ही लो होगा, लिटिल इंटेलिजेंस, उसमें ये सिम्टम्स शो होंगे। अब आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं उसके गैमेट की बात कर रही हूं, मैंने कहा उसके गैमेट में एक एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम आ गया, गैमेट में कितने क्रोमोसोम होते हैं, जल्दी से बताएंगे आंसर फटाफट, गैमेट 23, ठीक है 23 हम कह रहे हैं, लेकिन हम एक क्रोमोसोम अलग रख लेते हैं, मान लो एक्स और वाई, तो हम यहाँ ऑटोसोम की बात कर रहे हैं, तो एक गैमीट में कितने ऑटोसोम होंगे, 22 नॉर्मली क्या होंगे 22, और एक होगा उसमें सेक्स क्रोमोसोम, ये होगा मतलब 23 हो गए, लेकिन जब ये डिसऑर्डर होगा तो उसमें ऑटोसोम कितने हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा आ गया 23 प्लस एक सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब उस ऑर्गेनिज्म में, अब ये तो किसकी बात कर चल रही है, गैमीट की, अब उसके पास गैमीट्स में टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए ये बताएं, 24 को भी मिला लो कितने हो गए, 24 क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। अब हम ये मान रहे हैं जब भी उसकी, मान लो कि अगर मेल है या फीमेल है, तो अगर मेल होगा मान लो, तो मेल के पास हम क्या मान के चल रहे हैं, इसकी फर्टिलाइजेशन हुई, इसमें 23 प्लस एक्स था, और इसमें 22 ये एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल है, फर्टिलाइजेशन हुई, प्लस एक्स, ये गैमीट इसके साथ फ्यूज कर गया, ये था एग, ये था स्पर्म, तो क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा उसका, ऑटोसोम कितने हो गए उसके अंदर टोटल, डिप्लोइड है अब ये,
ये एग, ये स्पर्म, ऑटोसोम का नंबर बताओ जल्दी से, प्लस करना नहीं आ रहा आप लोगों को, ये 145. कितना हुआ 45 प्लस एक्स एक्स, ये फीमेल है. तो फीमेल में आप देख रहे हो कि एक क्रोमोसोम यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, और वो कौन सा था, 21st क्रोमोसोम. नॉर्मली आपके अंदर क्या होता है 44 प्लस एक्स एक्स, यहाँ पे एक एडिशनल है. मैं ये सेपरेट इसलिए करके बता रही हूँ क्योंकि ये डिसऑर्डर किसका है, ऑटोसोम्स का है, इसलिए मैंने ऑटोसोम्स को अलग किया, सेक्स क्रोमोसोम को अलग बता रही हूँ. सेक्स क्रोमोसोम में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दिक्कत आ रही है ऑटोसोम की, जिसकी वजह से डिसऑर्डर अपीयर हुआ, इसीलिए इसको 21st ट्राइसोमी कहा जाता है. ट्राइसोमी क्यों कहा, अब किसी बच्चे को क्लियर हुआ ट्राइसोमी क्यों कहा? आपके अंदर 21st क्रोमोसोम कितने होते हैं, दो होते हैं, पेयर में होता है, मतलब एक पेयर. आपके पास एक और आ गया तो कितने हो गए, तीन. 21st क्रोमोसोम कितने हो गए आपके पास, तीन हो गए, तो इसलिए इसको कहते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम. क्लियर है सभी को ये? आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपके पास दो होने चाहिए 21st क्रोमोसोम, लेकिन एक एक्स्ट्रा आने की वजह से आपके पास तीन हो गए, तो इसीलिए हम इसको कह देते हैं 21st ट्राइसोमी. तो एक ही आपको बताऊंगी ऑटोसोम का, अब एलोसोम का बता देती हूँ. सेक्स क्रोमोसोम में अगर चेंज आ जाए तो क्या होगा मैम? हाँ बेटा बोलो. मैम जो एक्स्ट्रा आया 21st क्रोमोसोम, तो फिर मैम ये भी 20 दो, जो दो पहले से ही उन्हीं के साथ ग्रुप बनाएगा, ग्रुप में रहेगा. हाँ, तीनों इकट्ठे होंगे ये, ठीक है. तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम की बात कर लेते हैं कि जो एलोसोम है या सेक्स क्रोमोसोम है उसमें अगर नंबर में चेंज आए तो क्या होगा. तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, दो ही है हमारे पास और दो ही आप करोगे. दैट इज टर्नर सिंड्रोम है एक डिसऑर्डर, और एक है क्लिनफेल्टर. सिंड्रोम ठीक है, ये दोनों सिंड्रोम आपने याद रखने हैं. इसमें क्या होता है, XO सिंड्रोम इसको कहा जाता है, और इस सिंड्रोम को जो है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम को कहा जाता है XXY. यहां पे XO कैसे बनेगा, अब हम बात कर लेते हैं XO की. मान लो जो है ये फीमेल है, मदर है, और ये फादर है, इसमें एक्स वाई था. अब ड्यू टू नॉन डिसजंक्शनिंग क्या हुआ कि एक गैमेट में ये दोनों कंडीशन, यहीं से जो है आपको बता दूंगी क्या होगा कि, या नॉर्मली क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम बनेंगे इनसे, इसमें नॉर्मली ऐसे होता है, सॉरी गैमेट्स बनेंगे. ये उनके पास सेक्स क्रोमोसोम था, इससे जो गैमेट्स बने उसमें ऐसे होनी चाहिए कंडीशन नॉर्मल. लेकिन हुआ क्या वो भी बता देती हूँ. जब गैमेट बने तो एक में दोनों एक्स आ गए, और एक जो गैमेट बना उसमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं था. ठीक है, ये क्लियर हो रही है बात. अब इस, ये नॉर्मल जो है मेल है, इसमें एक्स बना और वाई बना, ये दोनों जब फ्यूज होंगे तो क्या बन गया, एक्स ओ. दैट इज नोन एज टर्नर सिंड्रोम. तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इट इज मोनोसोमी, सिर्फ एक जो है क्रोमोसोम इसमें एक्स होगा, तो इसमें एन एलोसोम फ्री एग एंड ए नॉर्मल एक्स स्पर्म. ये स्पर्म नॉर्मल था, ये कहां से आया, स्पर्म से, और ये कहां से आया, एग से. अब ये जो ऑर्गेनिज्म होगा इसमें क्या दिक्कत आएगी, These persons are sterile females who have rudimentary ovaries. These are sterile females. अब ये female क्यों है? Female ही क्यों बना? क्योंकि आपको मैंने एक चीज बताई थी
कि जो मेल सेक्स के लिए जीन्स होती हैं वो किसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं, वाई के ऊपर, वाई तो है ही नहीं तो मेल, लेकिन ये स्टीराइल होगी क्योंकि इसके पास फीमेल के पास से जो आनी चाहिए थी जीन्स वो तो आ ही नहीं पाई, तो फीमेल होगी ये रूडिमेंट्री ओवरीज होंगी और स्मॉल यूट्रस होगा, शॉर्ट स्ट्रेचर होगा, अबनॉर्मल इंटेलिजेंस होगी और ज्यादातर इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। यहाँ पे एक करैक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है वेब्ड नेक, जो इसकी नेक होती है वेब लाइक, जिस तरह से मेल की होती है ना जो है ब्रॉड, उस तरह की नेक जो है इन फीमेल में पाई जाती है क्योंकि इनके पास जो एक्स क्रोमोसोम था वो सिर्फ मेल से ही आया था, तो इस तरह की फीमेल होती हैं ये। अब आ गई बात, ये तो था ये वाला एक्स ओ कैसे बना, अगर एक विदाउट सेक्स क्रोमोसोम एग आया और एक एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म आया उनके फ्यूजन से बना ये। अब आ जाता है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होगा, देखो इनमें गैमेट बने, इसमें तो बने नॉर्मल फीमेल में, और इसमें क्या हुआ एक साइड दोनों एक्स वाई आ गए और एक साइड जो है ये रहा। तो जब ये और ये इस तरह के गैमेट फ्यूज करेंगे दैट इज एक्स एक्स वाई। अब आप मुझे बता सकते हैं विल इट बी अ मेल और फीमेल, मेल दैट इज मेल क्योंकि वाई है बट यहाँ पे दो एक्स हैं तो इसमें फीमेल लाइक करेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा होंगी। ठीक है, तो नोन एज क्लीन फेल्टर सिंड्रोम। तो दोनों आपको याद रखने हैं, टर्नर सिंड्रोम में एक्स ओ और क्लीन फेल्टर में एक्स एक्स वाई। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी। क्लियर हो गया सभी बच्चों को, ये क्लियर है या नहीं है जल्दी बताएं, नहीं तो फिर मैं दोबारा बता देती हूँ आपको ये। यस मैम, यस मैम, क्लियर है। हाँ यस मैम, तो आपने ध्यान रखना है कि सेक्स क्रोमोसोम में नंबर, बस आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी गैमेट बनेंगे उस टाइम पे दोनों के दोनों क्रोमोसोम अगर एक ही गैमेट में चले गए तो उससे क्या होगा, दूसरे वाले गैमेट में वो क्रोमोसोम होगा ही नहीं। तो ये सेक्स क्रोमोसोम के दो याद करने हैं, टर्नर एंड क्लीनफेल्टर। आप खुद बना सकते हो, आपको सिर्फ ये याद रखना है ये वाली चीज, ये जीनोटाइप याद रख लेना। जीनोटाइप आपको याद रह गया तो आप खुद ही बना सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये तो थे हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, अब आ जाते हैं हम दैट इज जीन डिसऑर्डर। जीन डिसऑर्डर जो है दो तरह के होते हैं, ये भी ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल आगे दो तरह के हैं, डोमिनेंट रिसेसिव, और ये भी दो तरह के हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। इन क्या मीनिंग होता है, सबसे पहले तो ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर इसका मीनिंग क्या है कि जीन डिसऑर्डर किसे कहा जाएगा कि जीन में कोई चेंज आया या जीन में कोई म्यूटेशन आ गई है तो उसको जीन डिसऑर्डर कहा जाता है। तो जीन डिसऑर्डर अगर वो जीन ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट हुई तो वो ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर हो गया, अगर वो जीन सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हुई जिसमें कोई भी चेंज आया था तो वो सेक्स लिंक्ड जीन डिसऑर्डर हो गया या मेंडेलियन डिसऑर्डर हो गया, सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर। पहले इसको टर्म्स को ध्यान से सुन लेना है आप सभी ने कि जीन डिसऑर्डर का मतलब है जीन के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ गया तो वो जीन डिसऑर्डर कहा, म्यूटेशन आ गई उस जीन में। तो ये जीन ऑटोसोम के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकती है या
सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकती है, तो उसको सेक्स लिंक्ड कहेंगे। ठीक है, अब डोमिनेंट रिसेसिव क्या है? आपको पता है ऑटोसोम के ऊपर अगर आपके पास, जैसे हम ये बताते हैं दो जीन्स, अगर जिस जीन में म्यूटेशन हुई है वो इसके ऊपर प्रेजेंट है, डोमिनेंट वाले के ऊपर, तो हम कहेंगे कि ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है। अगर वो जीन इसके ऊपर प्रेजेंट हुई तो हम कहेंगे रिसेसिव है। अब जैसे आपने पढ़ा था सेम ही होगा, डोमिनेंट वाला तो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, अपने आप को शो करता है, तो डोमिनेंट डिसऑर्डर्स वो ज्यादातर लोगों में अपीयर हो जाते हैं। लेकिन रिसेसिव डिसऑर्डर तभी अपीयर होते हैं जब दोनों एक जैसी जीन साथ में प्रेजेंट हों, तो उस तरह के डिसऑर्डर को रिसेसिव डिसऑर्डर कहा जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे है सिकल सेल एनीमिया, ये आप सभी ने सुना होगा। सिकल सेल एनीमिया किस तरह का डिसऑर्डर है? दैट इज ए रिसेसिव डिसऑर्डर। रिसेसिव डिसऑर्डर का मीनिंग है कि इसमें जो जीन होगी वो रिसेसिव जीन जो है वो जो किसके ऊपर प्रेजेंट होगी, ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होगी, और वो तभी अपने आप को शो करेगी जब उसके सेम टाइप का जो ऑर्गेनिज्म है, जब सेम टाइप का होगा वो मिलेगा, सेम टाइप की एलील मिलेगी। जैसे मैं आपको यहाँ एक क्रॉस करके बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया में चेंज किस में आता है, हीमोग्लोबिन में। इसकी दो एलील मैं बता रही हूँ, देखो यहाँ पे ये एक एलील है, ये दूसरी एलील है, ध्यान से देखेंगे, ये एक एलील है, ये दूसरी एलील है, हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन एस। हीमोग्लोबिन ए ये नॉर्मल एलील है और ये सिकल सेल वाली एलील है। ठीक है, ये है वुमन और यहाँ मैन की बात करते हैं, दैट इज एच बी ए और एच बी एस। मीन्स दोनों के पास सिकल सेल की जो है एलील है। अब जब इनके गैमेट्स बनेंगे तो क्या होगा? एच बी ए एच बी एस, मैंने रिसेसिव बता दिया, मीन ये वाला कौन सा होगा? रिसेसिव, जिसके ऊपर एस है ये रिसेसिव एलील है। ठीक है, ये तभी शो करेगा डिसऑर्डर जब सेम टाइप की होगी, तो यहाँ पे आ गया एच बी ए एच बी एस। अब क्या होगा, हम पुनेट स्क्वेयर बना लेते हैं। एच बी ए एच बी एस एच बी ए एच बी एस, तो एच बी ए एच बी ए एच बी ए एच बी एस एच बी एस एच बी ए और एच बी एस एच बी एस। अब आप मुझे बताएं जो ये ऑर्गेनिज्म बने किस किस को सिकल सेल एनीमिया होगा? मैम लास्ट वाले को जो कॉर्नर में है। देखो अब एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो लास्ट वाला है इसको सिकल सेल एनीमिया होगा, और नॉर्मल कौन सा है? राइट साइड में सबसे ऊपर। सबसे पहले बेटा ये नॉर्मल है, ये क्या है? ये नॉर्मल है या डिजीज्ड है? नॉर्मल ये, हालांकि देखने में नॉर्मल है लेकिन इनको फिर हम क्या कह देते हैं, कैरियर। ये वैसे तो इनकी लाइफ नॉर्मल रहेगी क्योंकि इनके पास एक नॉर्मल जीन है, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, डोमिनेंट वाली जीन है इनके पास तो कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन ये कैरियर है, ये एक एलील को कैरी कर रहे हैं इनके पास, तो इनको हम कैरियर कहते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, एक नॉर्मल और दो कैरियर। अब एक ध्यान रखना, ये वाला सरवाइव नहीं करेगा, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन इसमें बिल्कुल भी नहीं बन रहा नॉर्मल, तो ये सरवाइव नहीं कर सकता, तो ये चाइल्डहुड में ही ये बच्चा जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। ये जो भी होगा ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन बनेगा ही नहीं। ये भी तो ध्यान देना है
हीमोग्लोबिन के बिना सर्वाइवल हो सकता है या नहीं हो सकता? तो नहीं हो सकता है। तो ये तो था सिकल सेल एनीमिया। इसके अलावा भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, जैसे थैलेसीमिया होता है, थैलेसीमिया भी यही सेम रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें भी जो है हीमोग्लोबिन की चेन्स में ही डिफेक्टेड चेन्स बनती हैं, तो इनमें भी सेम इसी तरह का क्रॉस आपको देखने को मिलेगा जैसे आपने इसमें देखा सिकल सेल एनीमिया में। जैसे आपने देखा सेम ही क्रॉस इसमें बनेगा। जितने भी ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, एल्केप्टोन्यूरिया है, एल्बिनिज्म है, इन सभी में क्रॉस, यहाँ तो मैंने क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन में डिफरेंस आ रहा है तो मैंने हीमोग्लोबिन यहाँ पे लिख दिया, नहीं तो आप क्या लिख सकते हो ऑटोसोमल ए ऐसे लिख सकते हो सिंपल, और ऐसे लिख सकते हो, ऐसे और ऐसे लिख सकते हो, ये रिसेसिव ये डोमिनेंट। ये ऑटोसोम के लिए ए वर्ड यूज कर देते हैं हम ज्यादातर। तो आप हीमोग्लोबिन की बात है तो मैंने एच बी यहाँ पे सिकल सेल कर दिया, यहाँ पे मैंने सिंपल अगर कोई डिसऑर्डर है तो उसके लिए मैं ये शो कर रही हूँ। तो आपने ध्यान देना है जिसके पास एलील होगी वो तो कैरियर है, प्योर नॉर्मल ये वाला होगा। ये तो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, डोमिनेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर डोमिनेंट होता तो वो मैक्सिमम पॉपुलेशन में प्रेजेंट होगा। अब एक एग्जाम्पल आपको और करवा देती हूँ मैं, सेक्स लिंक्ड वाला जो आपको आया था वो है कलर ब्लाइंडनेस का और हीमोफीलिया। दो एग्जाम्पल आते हैं यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस का और हीमोफीलिया का, वो मैं आपको बता देती हूँ। कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, अब आप सभी करेंगे इस क्रॉस को और मुझे बता देंगे सभी बच्चे। अब सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में आपने एक चीज याद रखनी है, ये रिसेसिव डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं हम, और हम सेक्स क्रोमोसोम हमारे पास दो हैं एक्स एंड वाई, हम सिर्फ एक्स की बात करेंगे, वाई को छोड़ के हम सिर्फ एक्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें अगर वो रिसेसिव डिसऑर्डर है तो वो अगर उसमें एक ही एलील है, जैसे मैं एक एग्जांपल मैं देती हूँ एक आप करोगे, जैसे एक फीमेल है कलर ब्लाइंडनेस का एग्जांपल मैं दे रही हूँ और एक ये मेल है, ये फीमेल और ये मेल, मेल बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ पे आप देंगे मेल नॉर्मल है और फीमेल क्या है यहाँ पे इसको क्या बोला जाएगा, ये नॉर्मल है या कलर ब्लाइंड है, दैट इज अ कैरियर, ये कैरी कर रही है, वैसे ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्यों है, मैंने इसको रिसेसिव डिसऑर्डर कहा तो इट मींस ये रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसका यहाँ पे दूसरी एलील एक्स के ऊपर प्रेजेंट होगी जो नॉर्मल होगी, नॉर्मल एक्स है इसके पास, नॉर्मल एलील है इसके पास, तो ये कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसमें गैमेट्स बने ये और इसमें बने ये, तो देखते हैं कि किस तरह के बनेंगे, एक्स 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 वाई बताएं ये किस तरह के बने, कोई ये नॉर्मल होगा, अब नॉर्मल होगा हम नॉर्मल 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 गर्ल, ये नॉर्मल नॉर्मल बॉय, ये कैरियर कैरियर और ये इन्फेक्टेड बॉय इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड कलर ब्लाइंड बॉय है ना, इन्फेक्टेड या कलर ब्लाइंड बॉय। देखो ध्यान रखना है जितने भी सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स हैं वो मेल्स में शो हो जाते हैं, अगर उनके पास एक भी क्रोमोसोम है तो शो होगा, क्योंकि ये एक्स के ऊपर प्रेजेंट थी रिसेसिव। हम कहते हैं रिसेसिव तभी शो करता है जब उसका पार्टनर उसके साथ में हो, उसकी सेम एलील हो, लेकिन यहाँ पे उसको डोमिनेट करने वाली भी कोई नहीं है, यहाँ पे वाई अलग है एक्स अलग है, तो एक एलील भी अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएगी। इसलिए जितने भी सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हैं वो ज्यादातर मेल्स में देखने को मिलते हैं, फीमेल्स ज्यादातर कैरियर मिलती हैं इसकी, तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है। अब एक एग्जांपल मैं और देती हूँ, ये तो था बेटा जहां पे कलर ब्लाइंड है कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लो फीमेल भी कलर ब्लाइंड आ जाती है, मान लो ये कंडीशन आ गई
ये क्रॉस करके बताना कितने जो है नॉर्मल है कितने कलर ब्लाइंड है। दो मिनट में दे रही हूँ, उसके बाद हमारा टाइम भी शायद हो जाएगा। जो भी बनाएगा फटाफट बता दो मुझे। मैम एक ही है कलर ब्लाइंड। मैम दो होंगे। दो होंगे मैम। मैम दो होंगे, एक फीमेल एक मेल। ऐसे ही बनेंगे। तो इसमें क्या है? यस मैम दो होंगे। ये तो कैरियर है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल बॉय है, यहाँ पे कैरियर गर्ल है। ध्यान रखेंगे कैरियर नॉर्मल के अंडर ही आते हैं सारे, ये ध्यान रखेंगे। कैरियर तो नाम दे दिया लेकिन वो नॉर्मल होंगे, उनको नॉर्मल में इंक्लूड करेंगे। अगर आपको नॉर्मल ही कहा गया तो आप उनको नॉर्मल ही कहोगे, अगर कैरियर नहीं पूछा किसी ने तो। ये सारे नॉर्मल होते हैं, उनके पास नॉर्मल जीन है तो वो नॉर्मल है। तो यहाँ पे एक गर्ल हो गई जो कि कलर ब्लाइंड है और एक बॉय हो गया जो कलर ब्लाइंड है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन दिक्कत बेटा कब आती है इन डिसऑर्डर्स में, जो कि जैसे कि हीमोफीलिया, ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं इसको। ठीक है, इस डिजीज में क्या होता है कि उस पर्सन में अगर कोई भी कट लग जाता है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनते, ये भी रिसेसिव है। तो उसमें अगर एक बार कट लग जाता है तो क्या होगा, वो कट से जो है ब्लीडिंग ही होती रहती है, वो कट से ब्लीडिंग जो है स्टॉप नहीं होती है। तो वहां पे अब दिक्कत आएगी, वहां पे सर्वाइवल की दिक्कत आएगी। जैसे कि मैं आपको एक हीमोफीलिया का आपको एग्जांपल दे देती हूँ। एक्स, ये भी एक्स के ऊपर है, एक्स एक्स एच एक्स एच वाई। जल्दी इसका क्रॉस करें, मेरे फोन की जो चार्जिंग है वो भी खत्म होने जा रही है और आपका टाइमिंग भी खत्म होने वाला है। मुझे जल्दी से इसका क्रॉस करके बताएं। मैम एक इन्फेक्टेड होगा। मैम दो होंगे। दो मैम। ये तो इन्फेक्टेड सीधा ही होंगे, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है ये फीमेल सरवाइव नहीं करेगी, क्योंकि इसमें हीमोफिलिक, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर बिल्कुल ही नहीं बन रहे हैं। तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जब भी होगी इसकी प्यूबर्टी, उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जब भी स्टार्ट होगा तो उसमें ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, तो वो सर्वाइव नहीं करेगी। तो जहां पे हीमोफिलिक ब्लड के डिसऑर्डर है वहां पे फीमेल का सर्वाइवल मुश्किल होता है। हालांकि मेल यहाँ पे एक ही जीन है, हालांकि वो शो कर रही है, लेकिन बहुत लंबा टाइम स्पैन जो है मेल का भी नहीं माना जाता है। लेकिन इसको नॉर्मल ब्लड जो है चढ़ा के हम ज्यादातर सर्वाइव कर जाते हैं मेल, लेकिन फीमेल सर्वाइव नहीं कर पाती है। यहाँ पे हीमोफिलिक मेल तो है लेकिन फीमेल में दिक्कत आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी बाद में दिक्कत आएगी मैं आपको एक टेबल भेजूंगी, उसको आप कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ।